Kami sebenarnya sama ada aku tarik sama ke sini kan dari kulitnya sama ke sini. Jadi kami bertarik sama ke yang ini sama ke sini. Tapi tadi kata sini mau dia, ya kau ini sini mana dia tu dan ini mau dia apa itu? Pada-pada di sini. Ya, ini sering loh. Ini kita dua. Yang ini loh pasti lah. Kita mereka dua sering di satu sini ke sini. Ini kami ini sering loh. Kan sering ya buat kali ini loh. Jadi kan ini loh ya. Ini sering sama kan sering ya. Kuat kan sering ya. Lo kan ini sering ya. Lo sering ya. Ini ada sih masih dua sering ya. Ini sama kan sering ya. मुझे बोल रहे हैं आज हम आपको लाइव समझ समझ होती क्या है एक ऐसी श्रेणी जिनके पदों का अंतर समान है ठीक है ना पदों का अंतर समान तो पद क्या होता है पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद पांचवा पद इस तरीके से पद होता है तो हम इन्हें लिखते कैसे हैं पहले पद से पहले पद से लिखते क्या पी वन दूसरे पद को लिखते हैं पी टू पी थ्री पी फोर अब तो इसे लिख सकते हैं अगर उसका पद हो गया चलो हम दूसरे पद में से पहला पद लगाएं तीसरे में से दूसरा लगाएं यानी बाद वाले में से उसके पहले वाला पद लगाएं जब बाद वाले में से पहले वाला पद लगाएंगे और यहाँ पे अंतर समान है ठीक है तो ये अंतर वो समान है ऐसी श्रेणी को हम समानता श्रेणी कहते हैं कि ऐसी श्रेणी जिनके पदों का अंतर समान होता है ऐसी श्रेणी वाली समानता श्रेणी कहलाती है और भी निकाल सकते हो आप तीन फोर माइनस तीन यानी समान अंतर आना चाहिए जैसा हमने पहली श्रेणी ये दी हुई है इस श्रेणी अगर आपने निकाला कैसे निकाला उसे मैं आपको पहला निकाला पी टू माइनस पी वन तो हमने किया पी थ्री माइनस पी पी थ्री माइनस पी टू तो इसमें हमारा आया आगे आप जितने भी लगाते जाएंगे एक एक लगा जाए तो आपकी श्रेणी समांतर श्रेणी है नहीं आए तो समांतर श्रेणी नहीं है इसी प्रकार से देखिए जब हम चार में से दो बनाएंगे तो दो बचेगा छह में से चार लगाएंगे तो दो बचेगा यानी ये भी आपकी समांतर श्रेणी है समझ आया समांतर श्रेणी क्या होती है एक ऐसी श्रेणी जिनके पदों का अंतर समान हो जाए वो श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी कहलाती है अब इसके होते हैं पद या फिर ना होता है तो फॉर्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू जैसे हमने मान लीजिए कुछ श्रेणी लिखने को आपको दे दी आपने भी दो चार छह तो दो अंतर है हर बार हम दो जोड़ते जाएंगे हमारा नियम कब खुल जाएगा लेकिन मान लीजिए हम सत्ता निकालना है सत्रवा पर अठारह पर तो आप कब तक जोड़ते रहेंगे उसके लिए हम फॉर्मूले का यूज करते हैं टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी यहाँ पर टी एन क्या है कौन सा पद हमें निकालना है उस पर जैसे मान लीजिए हम पन्ना पर निकालना है तो टी एन को हो जाएगा जो पद हमें फाइंड आउट करना है निकालना है ए बराबर पहला पद या प्रथम पद एन बराबर पदों की संख्या ठीक अब इसमें रहता है डी डी क्या हो गया डी आपका हो जाता है समांतर मतलब जो अंतर सब में कॉमन हो कॉमन जैसे समांतर वो डी कहलाता है जैसे मान लीजिए हमने यही श्रेणी ली थी दो चार छह आठ इसका हमें कौन सा पद ज्ञात करना है पचास मार्क कौन सा पद ज्ञात करना है पचास मार्क पी फिफ्टी ये बराबर कितना हो जाएगा पी एन बराबर हमने दी पी फिफ्टी एन बराबर हमारा फिफ्टी ए बराबर टू पहला प्रथम पद अब ये निकालना है ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं दूसरे पद से पहला लगाते हैं दूसरे पद से पहला पद लगाया हमारा टू आ गया तो ये हमारा हो गया ठीक और उसको कौन बोलेंगे पचास ए प्लस पचास माइनस ए क्यों कौन बोलेंगे ठीक ये वैल्यू नहीं है
इसमें हमें निकालना है टी वैल्यू डिफरेंस क्या आएगी क्या आएगी देन टी टू माइनस टी वन इक्वल टू टी माइनस वन हो जाएगा टी वन तो आप तो कर लेंगे ना टी माइनस वन इक्वल टू ये आ गया। अब इसका हम मुझे आधार मापन मतलब आधार मापन अब क्या हो जाएगा हमारा a बराबर y b बराबर 2 n बराबर और कौन रहेंगे c n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इक्वल और इसमें वैल्यू रखते ही हमारे को क्या है किसी किसी रूप में c n की जगह a n लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं जो चीज हम c n में यूज करते हैं वही a n इसका मतलब हुआ कि हम जो पद ज्ञात करते हैं वो वाला पद यहाँ भी a n का मतलब होता है वो वाला पद ज्ञात करते हैं वो वाला से और मान लीजिए आपको श्रेणी का अंतिम पद दिया हुआ है आपसे कुछ और पूछा जाए तो मान लीजिए और जब ये श्रेणी का पदों की संख्या रखती है तो ये हमारा अंतिम पद दिया हुआ है एक्स एन तो हम क्या करेंगे टी एन इक्वल टू 20 ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू अब कॉल करके एन की वैल्यू कर सकते हैं आप देखिए यहाँ पे हम रखेंगे टी एन क्या है बताइए टी टी की वैल्यू टू एन माइनस वन नहीं पता है बट हमें यहाँ से बोलना है तो हम इसमें रखेंगे तो हमें निकालना है हमें टी एन की वैल्यू पता नहीं है टी एन की वैल्यू पता है एन का मतलब क्या है तो हम लिखते हैं यहाँ पर बीस ए की वैल्यू हम लिखेंगे दो एन का मान हमें नहीं पता चल पाएगा बी की वैल्यू होगी वन अब जब ये देखिए इस तरीके से लिखा होगा तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करके घटाते हैं इस बात का हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर बिना कॉम से पता है कि यहाँ वाला तो आएगा हम घटा के आएगा यहाँ वाला पर भाग के नहीं जाएगा क्योंकि ये घड़ा वाला है वही हमारा जोड़ वाला है इस बात को याद रखना कैलकुलेशन में गलती नहीं होने के लिए आप गलतियाँ ना देखो क्या रखिए रहता है आपका अब हमारे न्यूमेरिक क्या वाला है ये आपका डिवाइड n माइनस वन टाइम हो गया नाइन इक्वल टू n माइनस वन अब हम n की वैल्यू जब हम पसंद करेंगे इधर से कब से यानी इस समीकरण से n बराबर आ गया था आपका दसवां पद होगा जो आपका 20 ठीक है ना तो आपको समझ में आया अब एक फॉर्मूला और है n इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इनटू c l क्या होता है एल अंतिम पद होता है जैसे हमने यहाँ पे टीएन यूज कर लिया अगर हम टीएन की वैल्यू इसको और भी कम मान लेते तो हम एल के लिए सॉल्व कर सकते हैं टीएन सॉल्व करने के लिए या एल सॉल्व करने के लिए सेम है बस एल जब आप अंतिम पद दिया है तो आप एल से जोड़ करेंगे अगर आपका और दिया हुआ है इसका पद तो आप टीएन से लगाएंगे इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमारा एल जो होता है वो अंतिम पद होता है एक प्रथम पद होता है एल पदों की संख्या होती है बी समांतर होता है ओके हम आपको कौन से साल दे सकते हैं हम आपको पूछे यदि श्रेणी समांतर श्रेणी है तो पदों की संख्या क्या क्या दस पदों की संख्या दसवा पद क्या चाहिए सबसे पहले हम देखें यहाँ पे देखो यहाँ पे 3, 6, 9 ये आपको बोल दिया इसका मतलब है कि इनमें हमारा समानांतर आ रहा है करेंगे तो घटाओगे तो समानांतर देश में आया छह में तीन कर आया तीन आया नौ छह है तीन आया यहाँ पे है तो हमारा ये समानांतर श्रेणी नहीं है अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो ये हमारी समानांतर श्रेणी हो जाएगी
ठीक है ना, तो आप इस तरीके से सवाल को लगा सकते हैं और